चुनाव में सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे दिवंगत फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजौल सिंह पर दो महीने पहले काशीराम कॉलोनी की महिला रीता ने अपनी बेटी पूजा को गायब करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर रीता ने 24 जनवरी को लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के काफिले के आगे कूदकर जान देने की कोशिश की। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने आनंद फानन में रजौल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 4 फरवरी को पुलिस ने रजौल को PCR रिमांड पर लेकर 8 घंटे पूछताछ की तो उसके साथी हरदोई थाना मुबारकपुर के नवागांव निवासी साथी सूरज के बारे में पता चला। इसके बाद पुलिस ने आरोपित के आश्रम के पीछे प्लाट में स्थित सेप्टिक टैंक के गड्ढे की खुदाई कराई तो वहां से युवती का शव बरामद हुआ। मामले को संज्ञान में लेते हुए देर रात पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी ने जांच के बाद सदर कोतवाली इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। पूरा मामला अब तक जो निकल करके आया है वो ये है कि एक युवती वो पिछले दिसंबर से 8 दिसंबर को गायब हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी थाना कोतवाली में तत्काल लिख दी गई थी, लेकिन 24 घंटा बीत जाने के बाद भी उसमें जो FIR में पंजीकृत होना था बदल जाना चाहिए था वो नहीं हुआ था। उसमें हमने कार्रवाई करके जो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हैं उनको SP महोदय द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। एक अभियुक्त और जिसमें गिरफ्तार किया गया है सूरज जिसका नाम है, राजौल सिंह पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और पोस्टमार्टम आज करा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और सभी पूरी विवेचना के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। दरअसल दलित महिला रीता की बेटी पूजा पिछले दिसंबर महीने से गायब थी। मां ने 8 दिसंबर को गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। 11 जनवरी 2022 को SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज भी हुआ लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मां न्याय की गुहार लगाती रही मगर पुलिस प्रशासन ने उसकी एक ना सुनी। माय बिटिया को रजौल सिंह ने आश्रम में मार के गाड़ दिया। नहीं, आप लोग आश्रम पहले आई थी? हम पहले प्रेम नारायण दीक्षित को लेके आए थे। पूरा आश्रम खोल के दिखा दिया, ये कोठी जो 3 मंजिल की नहीं दिखाई, कहने लगे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस पे चल रहा मुकदमा और इसी में मेरी लड़की बंद थी। हमने दरोगा जी को फोन किया, प्रेम नारायण दीक्षित को फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर लिया फोन। अगर ये आ जाते मेरे साथ में तो मेरी लड़की जिंदा मिल जाती। इस मामले ने राजनीतिक रंग लेना भी शुरू कर दिया है। BJP ने मौके पर चौका लगाने की कोशिश की। UP के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को घेरा। उन्होंने ट्वीट किया, अखिलेश यादव जी, सपा नेता के खेत में दलित बेटी का शव बरामद, जब बेटी की माँ आपकी गाड़ी के सामने गिड़गिड़ा रही थी तो उनकी बात नहीं सुनना और सपा नेता का संरक्षण करोगे? नई सपा में सपाइयों का हर घिनौना अपराध माफ करोगे? जांच कर दोषी को दंड और पीड़ित को न्याय दिलाने की कसर नहीं छोड़ेंगे? अखिलेश यादव जी की लिस्ट के अगर आप उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट देखें, एक ही बार आई शुरू में, कोई जेल वाला था कोई बेल वाला था। अपराधियों की लंबी सूची समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर है। उनके उम्मीदवार कम, वो जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज्यादा हैं और जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले कभी जनता के लिए लोकप्रिय उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। जनता ऐसे उम्मीदवारों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। वही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ किया कि आरोपी रजौल के पिता फतेह बहादुर सिंह का 4 साल पहले इंतकाल हो गया था और फिलहाल रजौल सपा का सदस्य भी नहीं है। अखिलेश ने पूरे मामले की गहन जांच की मांग की है। अखिलेश के सहयोगी और सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने भी इस बात से इनकार किया है कि रजौल सिंह सपा का कार्यकर्ता है। ये जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में है, वो 4 साल पहले उनका देहांत हो चुका था। आखिरकार पुलिस ये बताए, जब तहरीर दी गई थी, आखिरकार इतने दिन कैसे लगे पुलिस को ढूंढने में? पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई पहले भी कर सकती थी। ये पुलिस की और प्रशासन की खुली छूट थी जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हुई है। हम परिवार के साथ हैं और परिवार की जो मांगे हैं वो मांगी जाए। बेटी की जो माँ है, जो जो मांग रख रही है, उनको पूरा किया जाए। मैं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए सरकार के सख्त कार्रवाई की मांग की है।
उन्होंने ट्वीट किया, उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद और गंभीर मामला है। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण और हत्या को लेकर सपा नेता पर शक कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे। उधर कांग्रेस की स्थानीय प्रत्याशी आशा सिंह पीड़ित परिवार के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंची और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। भले ही कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर भी सवाल उठे, लेकिन भगवा कैंप इस मामले को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। तथाकथित सपा नेता की संलिप्तता होने की वजह से बीजेपी अपने इस अभियान को और तेज कर सकती है, जिसके तहत वो कह रही है कि सपा की सरकार आई तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। देखा जाए तो असल मुद्दा मानवता का है और सवाल मौजूदा सरकार के कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावों का है। 2 माह पहले रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। ऐसे में चुनाव के वक्त हाल ही में हुए अपराध के लिए पुलिस प्रशासन को दोषी मानने के बजाय पिछली सरकार के मंत्री की तरफ बंदूक घुमा दी गई है। दरअसल सियासी फायदा उठाने के लिए राजनीतिक दल अपना दामन बचाने के लिए घोर मानवता विरोधी हो जाते हैं, जबकि सबसे बड़ा मुद्दा पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना है, न कि इस मामले का सियासी फायदा उठाना। ब्यूरो रिपोर्ट।